डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, व्हाट इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के अंदर आपने देखना है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द पार्टिकल्स मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस साउंड। व्हेन दीज मूवमेंट अकर, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड दीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीटिंग ड्रम लेते हैं तो आप ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब मूवमेंट काज कराएंगे तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, एक स्पेसिफिक फोर्स। व्हेन दिस स्पेसिफिक फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूस साउंड। अगर आप एक ड्रम के ऊपर बीट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उससे उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन से साउंड आती है। तो दिस एनर्जी इज नोन एज साउंड एनर्जी। अब अगर आप इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स में बीटिंग ड्रम ले लें, लाउड स्पीकर ले लें, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अगर कोई बोल रहा है, स्पीकिंग पर्सन, तो ये सारी फॉर्म्स एनर्जी की साउंड एनर्जी में आती हैं। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि साउंड एनर्जी को मूव करने के लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए, एक स्पेसिफिक मैटर चाहिए, उसके बगैर साउंड एनर्जी मूव नहीं कर सकती, उसके बगैर साउंड एनर्जी एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑब्जेक्ट देखे या फिर वो जो मीडियम उसको चाहिए है मूव करने के लिए, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर आप सॉलिड पे किसी चीज फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, लिक्विड में अप्लाई करते हैं तो सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, और अगर गैस में अप्लाई करते हैं तो वो उससे थोड़ी सी कम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी, वो सॉलिड मटेरियल में होती है। तो आप इस स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे कि साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करने के लिए कोई स्पेसिफिक मीडियम चाहिए। वो मीडियम साउंड को ट्रैवल करने के लिए गैस, लिक्विड, सॉलिड, कोई भी हम दे सकते हैं। अगर आप एक बेल लगा देते हैं एक वैक्यूम के अंदर और उसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं, उसके अंदर एयर नहीं है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो जब आप बेल का बटन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि वो वैक्यूम है। एक आप बॉल लेते हैं, एक आप कंटेनर लेते हैं, और उसके अंदर से आप सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं। उस एयर के बाहर निकल जाने से क्या होगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी, कोई मीडियम नहीं रह जाएगा। जब उसके अंदर आप बेल लटकाएंगे तो उसको बटन को ऑन करने से, बेल बजाने से, बेल से कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर से आपने गैस भी निकाल लिया, कोई लिक्विड भी नहीं है उसके अंदर, कोई सॉलिड भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई मटीरियल उसके अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इस वजह से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप उसको उस कंटेनर के अंदर से निकाल के बाहर किसी जगह पे उस बेल को बजाएंगे तो वो फ़ौरन साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड एनर्जी को मूव करने के लिए या डेवलप होने के लिए किसी स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरह का मटेरियल हो सकता है, लेकिन उसको मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल से आपको पता चलता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल से आपको पता चलता है हाइट। ग्रेविटेशनल से आपको पता लगा कि अर्थ से रिलेटेड है, पोटेंशियल से आपको पता लगा हाइट से रिलेटेड है। तो पार्टिकल्स की वो मूवमेंट जो एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर होती है, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ उसको, उस पार्टिकल को, उस मटीरियल को कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींच रही होती है। जितना मटेरियल किसी ज़्यादा हाइट के ऊपर होगा, ग्रेटर उस मटेरियल का आल्टीट्यूड होगा, ग्रेटर हाइट होगी, उतनी उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉल लेते हैं, उसको आप थोड़ा सा लोअर हाइट पे रखते हैं, तो जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ग्रेटर हाइट पर ले जाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जितनी चीज़ ज़मीन से ऊपर जाती जाती है, उसकी कशिश उतनी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे वो नीचे आती है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ लगना शुरू हो गई है, तो इस वजह से क्या होता है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लेवल पे आ जाती है। तो आप देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल में हम देखेंगे वाटर स्टोर्ड इन डैम। डैम के अंदर वाटर हाइट के ऊपर होता है, जैसे ही वो नीचे आता है तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं।
उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एनर्जी के फॉर्म को देखते हैं, दैट इज़ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इसके डिफरेंट मींस, डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। अगर आप नेचुरल, इसका नेचुरल सोर्स देखते हैं, दैट इज़ सनलाइट। सन से जो एनर्जी आती है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है। और आर्टिफिशियल सोर्सेज में डिफरेंट बल्ब, नियॉन गैस के जो बल्ब होते हैं वो, तो ये दैट इज़ आर्टिफिशियल सोर्स। सन से जो आने वाली एनर्जी है, दैट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में बेसिकली आप उस एनर्जी के फॉर्म को स्टडी करते हैं जिसमें लाइट की डिफरेंट अप्रोचेज आती हैं, लाइट डिफरेंट जगह पे यूज होती है, डिफरेंट उसके सोर्सेज को इसमें स्टडी किया जाता है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो इसमें आती है फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करेंगे उतना प्लांट अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देखा। फर्स्ट वन इज साउंड एनर्जी, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन लाइट एनर्जी। अल्लाह हाफिज़।